आज नवरात्र का पहला दिन है। 15 सितंबर के दिन नवरात्र वाले दिन वैष्णो देवी के धाम में बहुत बड़ा हादसा होते होते बच गया, और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर वीडियो हल्की सी भी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। दी आज 15 तारीख है, रात में हमने आपको माता रानी के दरबार से दर्शन कराया, और आपको बता दूं यहाँ पे बहुत बड़ा हादसा होते हुए बच गया है। वो बहुत हैवी क्राउड था जिसकी वजह से यहाँ पे भगदड़ मच गई, और आप नीचे देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, और अभी हम आपको बताएंगे। और कम से कम दर्शन करने में 6 घंटों का भी लाइन लग रहा है, और आज नवरात्र का पहला दिन भी है और सैटरडे और संडे भी पड़ गया, जिसकी वजह से भक्तों की यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है, और माता के दरबार को बहुत ही दिव्य तरह से सजाया गया है। रात में दर्शन कराया था लाइटिंग का, अब हम आपको दिन के उजाले में दिखाएंगे कितने भव्य तरह से फूलों से सजाया गया है, और कम से कम 5 करोड़ के फूलों से माता रानी के दरबार को यहाँ पे सजाया गया है। बता दें, अगर आप नवरात्र के पावन अवसर पे माता रानी के दरबार में आ रहे हैं तो ये स्काई वॉक एक नया गेट बन गया है, और आप देख पा रहे हैं सभी भक्त लोग इसमें लाइन में लगे हुए हैं, मगर बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से भक्तों को बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप नवरात्र में आ रहे हैं तो थोड़ा रुक के आइएगा, लास्ट में नवरात्र वाले दिन आइएगा। अभी माता रानी के दरबार में बहुत ज़्यादा भीड़ है जिसकी वजह से भक्तों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। रात का वक्त था तो उतना ज़्यादा आप लोगों को शायद मज़ा ना आया हो, अब दिन के वक्त आप लोगों को भवन की ओर लेके चल रहा है, और बहुत हैवी क्राउड है, आज भी चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा। आप देख सकते हैं खुद ही वीडियो के माध्यम से कि कितना हैवी क्राउड है यहाँ। गुलाब टाइप का, रोज टाइप का दिखा है, और बहुत ही अच्छा स्मेल कर रहा है ना भाई, तुमने कभी देखा है पिंक रोज? भाई मैंने तो पहली बार देखा है। पहली बार देखा है पिंक रोज, रेड देखा है, मगर ये पिंक रोज भाई क्या बात है। आगे की भी डेकोरेशन देखिए, इधर देखिए पिंक दिखा था, अब देखिए कोई और कलर का फूल है, और ये चेंज होते रहते हैं हर दूसरे तीसरे दिन, यहाँ पे फूल आपको चेंज दिखेंगे, सेम फूल आपको नहीं दिखेंगे। और देखिए शंकर जी बने हुए हैं, और महाकाल देखिए कौन से फूलों से बने हैं, ये देखिए महाकाल भी एक अलग प्रकार के फूलों से यहाँ पे सजाए गए हैं। यही खासियत देखने देश और विदेश से माता रानी के दरबार में भक्त लोग आते हैं। ये देखिए माता रानी इस फूल, आपने यहाँ की डेकोरेशन देखी आपको कैसा लग रहा है? आपने यहाँ पे डेकोरेशन देखी आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छी डेकोरेशन है। ऐसी डेकोरेशन इससे पहले इंडिया में किसी मंदिर में आपने देखी है? नहीं देखी। आप लोग भी आए और नवरात्र में दर्शन करें, और ऐसी डेकोरेशन देखिए, बहुत ही भव्य डेकोरेशन है। इसी डेकोरेशन को देखने के लिए इतनी भीड़ में आती है यहाँ पे, और नवरात्र में प्लस माता रानी की भी दरबार में माता रानी के दर्शन हो जाते हैं। आप सभी को बता दें, आज नवरात्र के पहले दिन करीब 1 लाख श्रद्धालुओं से भी ज़्यादा भक्तों ने माता रानी के दरबार में दिव्य दर्शन करे हैं, और अगर आप लोग भी नवरात्र में आ रहे हैं तो आप लोग को भी ये दिव्य दर्शन देखने को मिलेगा। रातों की सजावट आप लोगों को दिखाने के बाद अब हम लोग उस स्थान पर पहुँच गए हैं जहाँ पर पूरे नवरात्र भर आप लोगों को 9 दिन माता रानी का प्रसाद खाने को मिलता है। ये लंगर की सेवा वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा चलती रहती है, पूरे 9 दिन आप लोग यहाँ पर फ्री में भोजन कर सकते हैं। आपको बता दें, भवन जो मंदिर है, मंदिर के नीचे यहाँ पे लंगर की सुविधा होती है, श्राइन बोर्ड कराती है, और पूरे 9 दिन यहाँ पे लंगर चलता है नवरात्रि के पावन अवसर पे। अभी हम लोगों ने यहाँ पे लंगर खाया है, बहुत ही अच्छा टेस्ट था। आप लोग भी अगर नवरात्रि में आ रहे हैं तो यहाँ का लंगर जरूर खाइएगा। अब हम लोग ऊपर अपनी रूम की ओर चल रहे हैं, जब हम लोग अपने रूम की ओर जा रहे थे, और सामने का व्यू देखिए, सनसेट हो रहा है, और सामने भैरव घाटी है, ये माता रानी का दरबार है, और अब हम लोग रूम की ओर जा रहे हैं, और आपको दिखाते हैं कहाँ पर रुके हुए हैं। फिलहाल व्यू कितना औसम है भाई, यहाँ से भैरव घाटी भी है, और ये माता रानी का दरबार के ऊपर हम लोग रुके हुए हैं। ये हम लोग का रूम है, यहाँ पे राहुल भाई और हम लोग रुके हुए हैं, और आशा करते हैं आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो चैनल पे जाइएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। हर हर महादेव।